तीन दिन खराब मौसम की वजह से पहलगाम में डेरा डालने के बाद अगले दिन सुबह सुबह यूनिवर्स ने एक इशारा किया और उसके अगले ही पल और इससे पहले कि बारिश दोबारा शुरू हो और यात्रा फिर से रुक जाए, तो हुआ एक नया सवेरा नए एडवेंचर के साथ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मच अवेटेड जर्नी अमरनाथ यात्रा। और इस यात्रा का इंतजार बहुत दिन से कर रहे थे, पर पहलगाम में हमें 3 रात रुकना पड़ा ताकि बारिश बंद हो और यात्रा शुरू हो पाए। और आज फाइनली वो दिन है कि यात्रा हमने स्टार्ट कर दी है। और आज है संडे का दिन, कल है मंडे और सावन का पहला सोमवार, और हम होपफुली कल भोलेनाथ के दर्शन करने वाले हैं। और आप बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरी यात्रा में, और बारिश के बाद रास्ते का क्या हाल है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलें। यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है पहलगाम से चंदनवाड़ी, जो कि 16 किलोमीटर दूर है। अब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए आपके पास ऑप्शन है शेयर टैक्सी की, जो आपसे लेगी 180 रुपये पर हेड और आधे घंटे में आपको पहुंचा देगी चंदनवाड़ी। मेरी मानिए तो ये आधा घंटा खिड़की से बाहर ही देखते रहिएगा और आप एक आसमान में उड़ते आज़ाद पंछी सा फील करेंगे। लेकिन यही अगर आपने खिड़की से अंदर देखा तो यही तो होता है ना, जब एक 8 सीटर गाड़ी में 11 लोग अपनी तशरीफ एडजस्ट करते हैं। दुनिया तो आखिर जुगाड़ पे ही कायम है। बाबा जी फोटो ले लूं? ले लेगा, देवी तेरी इच्छा है। नहीं तो पता है मेरे को तुम अभी क्या है, कैसा केदारनाथ फिल्म बना रहे हो। तो अमरनाथ की चढ़ाई फिलहाल शुरू हो चुकी है और नजारे कुछ इस तरह है। एक zigzag वाला आप रास्ता देख पा रहे हैं, ये रहा zigzag, 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 और ये लेकर जाएगा आपको पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप की चढ़ाई मानी जाती है काफी डिफिकल्ट शेषनाग तक के रास्ते में। ऊपर पहुंच के मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली कितनी डिफिकल्ट है, क्या आप आसानी से ये कर पाएंगे या फिर आपको घोड़े या पालकी की जरूरत पड़ेगी। तो बने रहिएगा मेरे साक्षी धमीजा के साथ। बहुत कीचड़ है।
तो वहाँ नदी के लेवल से चलकर हम वहाँ जा रहे हैं, पिस्सू टॉप। अरे भैया जी कहाँ हूँ? तो भोले जी ये लिखा है, प्लीज डोंट यूज शॉर्टकट, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप शॉर्टकट से जाएंगे तो आपके चढ़ते चढ़ते थोड़े बहुत पत्थर नीचे गिर सकते हैं और एक लैंडस्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, नीचे वालों को लग सकती है, इसीलिए शॉर्टकट्स नो। अब देखो, बताया था ना रास्ते में नो शॉर्टकट्स, ऐसे और ऐसे फंस जाओगे रास्ते में, ना ऊपर और ना ही नीचे। तो यात्रा के दौरान आपको जगह जगह पे ऑक्सीजन बूथ भी मिलेंगे। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप इन ऑक्सीजन बूथ पे रुककर थोड़ी देर आराम करके ऑक्सीजन लेके आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पीछे जो ऑक्सीजन बूथ आप देख रहे हैं, पिस्सू टॉप। तो फिलहाल मेरे पीछे जो आप ऑक्सीजन बूथ देख रहे हैं, ये पिस्सू टॉप की चढ़ाई के बीच में आता है। आप यहाँ पर रुक सकते हैं अगर तकलीफ हो रही है। फिलहाल आई एम ओके। कहाँ बैठे बाबा जाके आप? आपको काम धंधा नहीं है? पॉइंट है। तो कीचड़ ने शूज का मेकअप कर दिया और शक्ल देखो, पहले स्विमिंग का टैन, अब पहाड़ों का टैन। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक दो तीन चार भोले जी की जय जयकार, एक दो तीन चार भोले जी की जय जयकार। कश्मीर की वादी में, भोले जी की शादी में, कश्मीर की वादी में, भोले जी की शादी में। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तो एक और जरूरी सूचना जो अभी CRPF के एक जवान ने हमें दी, जब भी आप अमरनाथ जैसी कोई भी यात्रा कर रहे हैं, अमरनाथ या केदारनाथ, कानों में कभी भी ईयरफोन्स लगाकर मत कीजिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आसपास आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फोर्सेस वाले लोग सीटी बजाते हैं, लेकिन अगर आपके कान में ईयरफोन्स होंगे तो आप वो सीटी नहीं सुन पाएंगे और एस्केप नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही हुआ जब बादल फटा, तो बादल जब फटने लगा तो CRPF के जवानों ने बहुत सीटियां बजाई, लेकिन लोगों ने नहीं सुनी, उन्होंने सीटियों पर ध्यान नहीं दिया और उसका रिजल्ट आप सब जानते हैं। इसीलिए पहाड़ों में ऑलवेज बी कॉशियस। दीदी का चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये वीडियो शेयर करो, और आप भी अमरनाथ आइए। जय भोले, जय भोले, जय भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। और इसी जयकारे के साथ देखिए हम कहां पहुंच गए, पिस्सू टॉप। शक्ल तो सही लग रही है, थके हुए तो कहीं से भी नहीं लग रहे, तो बढ़िया है। पिस्सू टॉप पे लंगर चखने के बाद अब थोड़ी सी एनर्जी आई है और अब मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कि पिस्सू टॉप पे आप क्या आसानी से पहुँच सकते हैं या फिर आपको मुश्किलें आएंगी। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो पिस्सू टॉप बहुत आसान है। बहुत आसान नहीं है, मतलब आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज में नहीं है, लेथार्जिक है, तो थोड़ा मुश्किल है। और जब भी आप यात्रा के लिए आ रहे हैं तो ये बात ज़रूर याद रखिए, YouTube। तो हेलो गाइज,
और जब भी आप यात्रा के लिए आ रहे हैं तो ये बात ज़रूर याद रखिए कि आपके शूज़ जो है ना उससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी के शूज़ लेकर आइए, अगर आपके शूज़ अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो यात्रा 0 to 10 की रेटिंग पे 10 होने वाली है, और अगर आपके शूज़ कंफर्टेबल हैं तो 0 to 10 के स्केल पे आपकी यात्रा 3 होने वाली है ऑन कंफर्ट लेवल, यानी आसान होगी। और अब पिसू टॉप के बाद नेक्स्ट स्टॉप है जोजीबल, जो यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर है, और मेरे पीछे जो आप रास्ता देख पा रहे हैं वो जोजीबल का है। यही है प्रकृति, और यही है प्रकृति और मनुष्य का मिलन। लेकिन आजकल प्रकृति मनुष्य से थोड़ी नाराज है। जोजीबल के बाद अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं शेषनाग। पहुंचे नहीं हैं पर पहुंचने वाले हैं, और शेषनाग लेक की पहली लुक मिल चुकी है। तो मेरे पीछे जो शेषनाग लेक आप देख रहे हैं उसी से निकलती है शेषनाग रिवर, जो नीचे बहती हुई जाती है, और ये पूरा का पूरा अमरनाथ जी का ट्रैक इसी नदी के साथ साथ चलता है। और एक इंटरेस्टिंग बात और, शेषनाग लेक से जो शेषनाग रिवर निकल रही है वो भी नाग की तरह घूमती हुई, ध्यान से देखिए। तो ये शेषनाग जो झील है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो झील का पानी एकदम शांत है, लेकिन जो झील से नदी निकल रही है उसका बहाव देखिए, कितना ज़्यादा प्रेशर और कितना ज़्यादा बहाव है, नेचर। तो इन पहाड़ियों पे ढलते हुए सूरज की रोशनी देख रहे हैं आप, कुदरत भी कमाल है। इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ों में मौसम चुटकियों में बदलता है। शेषनाग पे नाइट स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट डे हम निकल रहे हैं पंचतरणी की ओर। तो पहाड़ों के बीच से इस रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रास्ता देखिए कैसा है, सीधी नीचे खाई, और ये पतली सी पगडंडी पे हमें आगे बढ़ना है। तो ये विशाल का पहाड़, पेड़ों का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, एकदम बंजर है। तो जब अमरनाथ यात्रा ख़त्म हो जाती है तो यहाँ परिंदा भी नज़र नहीं आता है, कोई जानवर नहीं होता है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, सो देर इज़ नो लाइफ हियर। शेषनाग के बाद असली कठिन यात्रा स्टार्ट होती है, सांस यहाँ से फूलनी शुरू होती है, और आगे गणेश टॉप। तो भाई ऊपर पहुँच के बताती हूँ।
सबसे ऊपर है गणेश टॉप। इस यात्रा की सबसे मुश्किल चढ़ाई 14,800 फीट, ये है उसकी हाइट। और अभी जहाँ पर हम हैं ये है 13,500 फीट। शेषनाग से लेकर गणेश टॉप तक का रास्ता काफ़ी कठिन है, बस आप चढ़ते ही जाएंगे, कोई भी ढलान कोई भी उतराई नहीं है। गणेश टॉप के बाद आपको मिलेगी ढलान जहाँ से आप नीचे उतर पाएंगे। तो मैं पहुँच गई हूँ गणेश टॉप। लास्ट के 1 किलोमीटर की चढ़ाई काफ़ी कठिन है क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, यहाँ ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, बोलते हुए भी सांस चढ़ रही है। तो वो जो आप कैंप देख रहे हैं येलो वाला, वहीं से लास्ट शूट मैंने किया था। और ये रास्ता है 1 किलोमीटर का, जो लोग फिट नहीं हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट है, जो लोग फिट हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप चढ़ जाएंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लें, तेज़ चलने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर आप तेज़ चलेंगे तो पक्का बैठ जाएंगे। अपना सिर और अपने कान हमेशा ढककर रखें, धूप में चल रहे हैं तो भी ढककर रखें क्योंकि यहाँ पर हवा लगते ही आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जब भी आप चढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में रुकें, सांस लें, जब आपकी सांसों की गति नॉर्मल हो जाए तो वापस से चलना शुरू करें। ज़्यादा देर मत बैठें क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है और उसके बाद आगे चढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ जो चढ़ाई करते टाइम पसीना आ रहा होता है वो हवा से सूखने लगता है और उससे ठंड लगती है। और एक पानी की बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए कि आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतने ही कम चांसेस हैं बीमार होने के। कम्फर्टेबल शूज़ सुपर इम्पोर्टेंट। तो गणेश टॉप तक आने का एक ही मंत्र है, होले होले। कोशपत्री जो कि 2.5 किलोमीटर आगे है गणेश टॉप से। कोशपत्री के बारे में 2 बहुत अच्छी बातें हैं। नंबर 1, कोशपत्री गणेश टॉप से 2.5 किलोमीटर नीचे है, यानी पूरा रास्ता उतराई है। सेकंड थिंग, इस भंडारे में किसी पॉश शादी से भी ज़्यादा आइटम्स अवेलेबल हैं और साथ में मसाज काउंटर्स, ड्राई फ्रूट्स। এখানে এসে খুব খুব ভালো লাগছে, খুব এক্সাইটেড। এই যে বাবা কা দর্শন কা বাত হ্যায়, ये जो हिंदू धर्मों का लोगो है सभी को एक बार जीवन में करना ही चाहिए। तो मैं फाइनली पहुंच गई हूं पंचतरणी बेस कैंप, जिसके लिए हम सुबह से चल रहे हैं और अब शाम हो चुकी है। ये जो सेकंड डे की यात्रा है ये काफ़ी टायरिंग है,
गणेश टॉप की वजह से। और एक एड ऑन फैक्टर ये भी होता है कि आपकी पिछले दिन की थकावट नहीं उतरी होती और आप अगले दिन इतनी लंबी यात्रा करते हैं। तो आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है बेस कैंप पंचतरणी का, ये बिल्कुल हेलीपैड के साथ में है। और अब अमरनाथ यात्रा में सिर्फ दो ही पॉइंट्स है जहाँ पे आपको ओवरनाइट स्टे अलाउड है, एक है शेषनाग, दूसरा है पंचतरणी। अब इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी होती है रास्ते में तो CRPF ज़रूर आपको कहीं बीच में ठहराती है, बट अदरवाइज़ अगर आप टाइम पे चल रहे हैं और कोई इमरजेंसी नहीं है तो सिर्फ दो स्टॉप्स अलाउड है। तो दिन तो हमने समझदारों की तरह निकाल दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि समझदार कौआ ही बीट पर बैठता है। और वैसे भी जिस दिन आप लाइफ में से सारी प्रॉब्लम्स निकाल देंगे ना, उस दिन लाइफ आपको बिना चटनी के मोमो जैसी लगने लगेगी, एकदम फीकी।